हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि नट कितने टाइप के होते हैं और किन नट को किन किन जगहों में यूज़ किया जाता है। सो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नट एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ बोल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है एंड नट के इंटरनल सरफेस में थ्रेड बने होते हैं जो कि बोल्ट की थ्रेड से मैच करते हैं। नट को मेनली माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। आइए कुछ ऐसे कॉमन नट को डिस्कस करते हैं जिनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है हेक्सागोनल नट जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है। इट मीन्स इन नट में 6 फेस होते हैं। नट के अपर एज को 30 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। हेक्सागोनल शेप होने की वजह से ऐसे नट को खोलते या टाइट करते वक्त हमें कम क्लियरेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज नट को टाइट या फिर लूज़ करते वक्त स्पैनर को सिर्फ 60 डिग्री तक ही रोटेट करना होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर नट। इसमें 4 फेस होते हैं एंड ये स्क्वायर शेप का होता है, बट स्क्वायर नट को खोलने या टाइट करने के दरमियान हमें ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज नट के स्क्वायर शेप में होने की वजह से इनको खोलने या टाइट करने के लिए स्पैनर को 90 डिग्री तक रोटेट करना होता है। स्क्वायर नट फास्टनिंग करने वाले पार्ट में ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करते हैं जिनकी वजह से स्क्वायर नट बाकी नट की कंपैरिजन में ज्वाइनिंग पार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखते हैं और नट को जल्दी से लूज नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन लॉक नट, जिसे हम इलास्टिक स्टॉप टाइप नट भी बोलते हैं। नायलॉन लॉक नट के इंटरनल सरफेस के एंड पोर्शन में नायलॉन का कॉलर बना होता है एंड जब बोल्ट को उस नट में इंसर्ट किया जाता है तो नट का जो नायलॉन वाला पार्ट है वो ओपन होके बोल्ट को सेल्फ लॉक कर देता है। ध्यान रहे, ऐसे लॉक नट को सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज़ किया जाता है बिकॉज एक बार सेल्फ लॉक होने के बाद नट के अंदर वाला नायलॉन लॉक टूट जाता है जिसकी वजह से बोल्ट दोबारा लॉक नहीं होता है। नेक्स्ट है कपलिंग नट। यह एक स्पेशल टाइप का नट होता है जिसे कि एक्सटेंशन नट भी बोला जाता है। यह एक तरह का थ्रेडेड फास्टनर है जो कि दो मेल थ्रेडेड पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कपलिंग नट को मोस्टली रॉड या पाइप को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड कपलिंग नट का आउटर फेस हेक्सागोनल शेप में होता है, यानी कि इसकी आउटर सरफेस में 6 फेस बनी होती हैं जिनमें स्पैनर या रिंच को फिक्स करके नट को टाइट या लूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैप नट। कैप नट में नट के एंड पार्ट में कैप लगी रहती है जिससे नट कवर रहता है और पानी या डस्ट बोल्ट तक नहीं जाने देता है जिसकी वजह से बोल्ट में रस्टिंग नहीं होती है। कैप नट को फैंसी जगहों में यूज़ किया जाता है या फिर ऐसी जगहों में यूज़ किया जाता है जहां लुक्स का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कैप नट को मेनली SS यानी स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैंज नट। फ्लैंज नट वह नट होता है जिस पर हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर बने होते हैं। फ्लैंज टाइप के नट का एडवांटेज ये होता है कि इस प्रकार के नट में अलग से वॉशर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है डोम नट। डोम नट भी बिल्कुल कैप नट की ही तरह होता है, बट डोम नट में जो कैप होती है वो डोम शेप की होती है जबकि कप नट की कैप का शेप कप की तरह होता है। नेक्स्ट है कैप्स्टन नट। यह नट सर्कुलर शेप का होता है जिसके एक्सटर्नल यानी आउटर सरफेस में छोटे छोटे होल बने होते हैं। इन्हीं होल में ही सी स्पैनर या हुक स्पैनर को फंसा करके इस नट को खोला या कसा जाता है। फिर है रिंग नट। रिंग नट भी कैप्स्टन नट की ही तरह सर्कुलर शेप में होता है, बट इसके आउटर बॉडी पे होल नहीं होते हैं जबकि होल की जगह स्लॉट्स बने होते हैं। रिंग नट का यूज़ मोस्टली बेयरिंग को एडॉप्टर स्लीव में टाइट करने के लिए किया जाता है। रिंग नट को इन्हीं स्लॉट में सी स्पैनर या हुक स्पैनर को फिक्स करके लूज या टाइट किया जाता है। फिर आते हैं नर्ल नट। इस तरह के नट के आउटर सरफेस पर नर्लिंग होती है जिससे नट को बहुत ही ईजिली खोला या टाइट किया जा सकता है। नर्ल नट का यूज़ मोस्टली ऐसी जगह होता है जहाँ बहुत जल्दी या कम टाइम में ही नट को बार बार लूज़ या टाइट करना होता है एंड जिनको ज़्यादा टॉर्क यानी ज़्यादा फोर्स से टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने माइक्रोमीटर गेज में कुछ इसी टाइप के नट को देखा भी होगा।
नेक्स्ट है थंब नट। थंब नट भी एक नर नट ही होता है, बट थंब नट के एंड पोर्शन में एक कॉलर या फ्लेंज को बनाया जाता है जो कि नल नट में नहीं होता है। ध्यान रहे, इस तरह के नट को सिर्फ हैंड टाइट ही किया जाता है, बिकॉज इस प्रकार के नट का यूज़ ही ऐसे एप्लीकेशंस में किया जाता है जहां हमें नट को बार बार लूज़ या टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है विंग नट, जिनको फ्लाई नट भी बोला जाता है, बिकॉज इसके आउटर सरफेस पे दो विंग्स लाइक शेप के मेटल पीसेस को वेल्ड कर दिया जाता है, जिनकी हेल्प से बड़े ही ईजी वे में विंग नट को हाथों से ही खोला या कसा जा सकता है। आपने इन नट को हैक्सा फ्रेम में देखा होगा, जहां इसका यूज़ हैक्सा ब्लेड्स को टाइट या लूज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन यूज़ किए जाने वाले बेसिक नट है जो कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगी होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।